बिलासपुर में जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सदर मंडल की बैठक जिलाध्यक्ष कृष्णलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सदर मंडल भाजपा अध्यक्ष हंसराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सदर मंडल भाजपा प्रमुख हंसराज ने कहा कि मोर्चा द्वारा पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हर मंडल पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ भी सौंपी जा रही हैं, ताकि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में फिर से प्रदेश में भाजपा जीत हासिल कर सरकार बना सके। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हर बूथ पर 10-10 प्रहरी नियुक्त करेगा, ताकि संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनावों व उसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को जीत हासिल करवाने में अनुसूचित जाति मोर्चा की अहम भूमिका रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी। अनुसूचित जाति मोर्चा सदर मंडल की जो बैठक थी, इसमें एक तो जिस दिन से मंडल का गठन हुआ था उसके उपरांत ये पहली बैठक है। जैसा प्रदेश नेतृत्व की तरफ से आया था कि प्रत्येक मंडल से ये बैठकें करनी है, एक तो कोरोना की वजह से जैसे पीछे लॉकडाउन रहा और कोरोना का अभी भी ज़्यादा कहर है, उस करके ये बैठक टालनी पड़ी थी और आज इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जो मुख्य बिंदु थे, इस मोर्चे का जो राजनीतिक तौर पर आज तक जो लाभ हुआ है, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्योंकि जो लोकसभा का और विधानसभा का पिछला जो चुनाव हुआ, विधानसभा 2017 में जो चुनाव हुआ, उसमें एससी मोर्चा की एक अहम भूमिका रही और एससी मोर्चा ने जो उस समय का चुनाव था उसमें जो जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हुई थी पूरे प्रदेश में, तो इस मोर्चे ने जो एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उसमें विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस मोर्चे ने भाग लिया था। तो आज इस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बूथ से 10-10 प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे। एससी मोर्चा की तरफ से ऐसे 10 कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे जो अपने अपने बूथ पर मोर्चे को और सुदृढ़ करे, संगठित करे और भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिल सके। आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है उसमें इस मोर्चे का अहम योगदान रहने वाला है। हमारे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष सुखराम जी हैं और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल जी हैं। इन्होंने पीछे भी इस मोर्चे को अग्रणी करने में एक अहम भूमिका अदा की थी और आगे भी इनका सानिध्य इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ इस बैठक में सारे निर्णय लिए गए। PLTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।